अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टू सिद स्टेशन। आज आपके लिए बहुत ही मज़े की भिंडी की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है भिंडी मसाला। तो इसको देखते हैं बनाना कैसे है। सबसे पहले आपको लेनी है 500 ग्राम्स लेडी फिंगर। इस तरीके से आपको उसको वॉश करके कट कर लेना है। फिर आपने इसमें लाल मिर्च पाउडर डालना है, हल्दी पाउडर डालना है, नमक डालना है और इसमें जाएगा बेसन। बेसन इसको बड़े मज़े का क्रिस्पी क्रिस्पी सा कर देगा। तो इसको डाल के आपने अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है। साइड में आपने ऑयल को गरम कर लेना है और आपने इस भिंडी को फ्राई कर लेना है उस वक्त तक जब तक ये हल्की हल्की सी ब्राउन ब्राउन ना हो जाए। मैं यहाँ पे सारी जो भिंडी है उसको पैन पे अच्छे से फ्लैट कर रही हूँ ताकि एक एक साइड से बहुत अच्छा सा कलर आ जाए। अब जैसे ही एक साइड से कलर आ जाएगा मैं इस भिंडी को अच्छे से स्टर कर लूँगी। यहाँ पर आप देखें इस तरह से, बहुत ज़्यादा ब्राउन भी मत कर दीजिएगा वरना एकदम काली काली सी हो जाएगी और ख़ूबसूरत नहीं लगेगी आपकी भिंडी। इस तरह से बस आपने इसको अच्छे से सॉटे करना है, फ्राई कर लेना है हल्का हल्का सा और आपने प्लेट में साइड में निकाल के इसको रख देना है। अभी यहाँ पर हम इसके मसाला प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले ऑयल में मैंने डाल लिया है ज़ीरा और लाल मिर्च, जो सूखी लाल मिर्च होती है वो। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी ग्रेटेड गार्लिक। अगर आपके पास पेस्ट है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन ग्रेटेड गार्लिक के बहुत ही मज़े की खुशबू आती है। उसके बाद यहाँ पे अनियंस चले जाएंगे डाइस हुए हुए, उसको मैं अच्छे से सौते करूँगी और मैं ये मेक श्योर करूँगी कि ये ब्राउन ना हो। सब्जियों में यूजुअली अनियंस को ब्राउन नहीं किया जाता तो इस तरीके से ट्रांसलूसेंसी होगी। तो मैं लाल मिर्च डाल दूँगी, हल्दी डाल दूँगी, गर्म मसाला बहुत ही थोड़ा सा जाएगा और धनिया पाउडर जाएगा। इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी यहाँ पर और थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि जो ये खड़ी खड़ी प्याज हो रही है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट ना दिखे इस सब्ज़ी के अंदर। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और यहाँ पर अब आप डाल दीजिए नमक, अगर आपको अंदाज़ा है इस टाइम तो, वरना आप सब्ज़ी बनाते हुए जब पूरी भिंडी चली जाए तब भी आप डाल सकती हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़ा टमाटर लिया था उसको डाल दिया था। अगर आपके पास बहुत बड़ा टमाटर ना हो तो आप दो मीडियम भी डाल सकती हैं। स्पैचुला से मैं अच्छे से प्याज और टमाटर को मैश कर रही हूँ, इस तरह से आप देख लीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल दूँगी थिक सा 3 टेबल स्पून योगर्ट का। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनती है, रोटी के साथ, राइस के साथ बहुत ही मज़ा आता है इसको खाने में। अच्छे से आप इसको स्टर कर लीजिए, उस वक्त तक आप इसको पकाएंगे जब तक आपको अच्छे से ऑयल ऊपर ना नज़र आना स्टार्ट हो जाए। यहाँ पर अभी भी ये पक रही है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इस तरह से ऑयल ऊपर आ जाएगा तो इसका मतलब ये रेडी है बिल्कुल। अब आपने जो अपनी फ्राई करी हुई थी भिंडी वो अब आप इसके अंदर डाल दीजिएगा और अच्छे से इसको मिक्स करिएगा। आँच को हल्का कर दीजिए बिल्कुल अब और अच्छे से इसको अब मिक्स करिए हल्के हाथों के साथ, क्योंकि थोड़ी सी अभी जो भिंडी है वो हम पहले ही फ्राई करके इसको थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी है तो यहाँ पर बहुत ख्याल रखिएगा। बस अब मैं यहाँ पर इसको कवर कर दूँगी, 10 मिनट्स तक मैं इसको कुक करूँगी जबकि ऑयल ऊपर ना आ जाए और फिर उसके बाद ये बिल्कुल रेडी है। बस लास्ट में इसको कुछ स्टर करूँगी इस तरह से। तो ये हो गई है हमारी बहुत ही मज़ेदार भिंडी मसाला रेडी और अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। तो ये आ गई है आपके पास फाइनल लुक। इसको आप सर्व करें रोटी के साथ, राइस, नान या पराठे के साथ, बहुत बहुत डिलिशियस बनती है। बहुत ही डिफरेंसिव रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको बिहाइंड द सीन्स देखना है तो आ जाइए मेरे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। अल्लाह हाफिज़।